प्रिय भक्तों, जब जब इस सृष्टि पर कोई संकट आया है, तब तब सृष्टि की सुरक्षा हेतु महादेव और श्री हरि विष्णु ने अवतार लिए हैं। परंतु यदि प्रभु के अवतार ही अधर्म को देखकर इतने क्रोधित हो जाएं कि उनसे समस्त सृष्टि का सर्वनाश होने लगे, तब उनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए? ऐसी ही एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब प्रभु विष्णु के नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव को शरभ रूप में अवतरित होना पड़ा। क्या है महादेव के शरभ अवतार की संपूर्ण कथा, तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट और क्रूर असुर राजा था। वो स्वयं को ही परम पूज्य भगवान से भी सर्वोपरि मानता था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और हिरण्यकश्यप को ये कदापि सहन नहीं था। उसने अनेकों बार अपने पुत्र को समझाया, परंतु उसके पुत्र ने भगवान विष्णु की तपस्या करनी बंद नहीं की। उसने अनेकों बार प्रहलाद को मारने के प्रयास किए, परंतु वो सफल ना हो सका। तो उसने अपनी बहन होलिका से अपने पुत्र का अंत करने के लिए सहायता मांगी। होलिका को ब्रह्मदेव से वरदान स्वरूप एक दिव्य वस्त्र प्राप्त था, जिसे ओढ़कर यदि वो अग्नि में बैठती तो उसे अग्नि कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को लेकर अपना दिव्य अस्त्र ओढ़कर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। परंतु भगवान विष्णु की माया से उस दिव्य वस्त्र ने प्रहलाद की देह को ढक लिया, जिससे उस अग्नि में प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप के इस कार्य से भगवान विष्णु को असहनीय क्रोध आ गया, इसीलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़कर उसका अंत कर दिया। उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह का था। सिंह की आक्रामक प्रवृत्ति होने के कारण वो बहुत ही उग्र और आक्रामक हो गए और तब भगवान नरसिंह के क्रोध से समस्त जगत में त्राही त्राही मच गई। भगवान नरसिंह तो अपने नियंत्रण में ही नहीं है। यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये समस्त सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान नरसिंह के क्रोध को तो अब केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही सहायता हेतु महादेव के पास जाना चाहिए। महादेव सहायता करें प्रभु, भगवान नरसिंह अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अब तो केवल आप ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव अपने गण वीरभद्र को भगवान नरसिंह को समझाने हेतु उनके पास जाने की आज्ञा देते हैं। महादेव से आज्ञा पाकर वीरभद्र भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए उनके पास जा पहुँचे। प्रभु, आपने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का सिंघार कर अपने भक्त प्रहलाद और इस समस्त सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया है। वो दुष्ट अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप कृपा कर अपने क्रोध को शांत करें। प्रभु, आपके क्रोधित होने के कारण ये समस्त सृष्टि अपना संतुलन खो रही है। कृपया कर स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करें प्रभु। हे नारायण, आप तो इस समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, तो आप किस प्रकार अपने क्रोध से सृष्टि का विध्वंस कर सकते हैं? शांत हो जाएं प्रभु। आपको नियंत्रित करने के लिए अब केवल एक ही उपाय मेरे पास शेष बचा है प्रभु। आपके क्रोध की ज्वाला तो किसी भांति भी शांत नहीं हो रही है। यदि कुछ समय और ऐसा ही रहा तो विनाश हो जाएगा। हे नारायण,
इस संसार के पालन का दायित्व आपका है। इस समय इस संसार को आपकी आवश्यकता है, इसे नष्ट होने से बचा लीजिए प्रभु। आप तो हिरण्यकश्यप पर क्रोधित थे प्रभु, अब तो आपके हाथों उसका अंत भी हो चुका है। अब तो कृपया कर आप शांत हो जाएं भगवान, इस सृष्टि का नाश होने से रोक लें प्रभु। अब तो केवल स्वयं महादेव ही भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपकी दी गई आज्ञा को पूर्ण करने में असफल रहा। मैंने अनेक प्रयास किए किंतु मैं भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत नहीं कर पाया। वीरभद्र, नरसिंह के भीतर सिंह की प्रवृत्ति होने के कारण वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। वो एक सिंह की भांति ही उग्र हो गए हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए हमें स्वयं ही ऐसा अवतार लेना होगा जिससे हम पशु, मनुष्य और पक्षी की शक्तियों का समावेश हो, क्योंकि एक पशु जितना उग्र होता है उसी के विपरीत एक पक्षी का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। इसलिए भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए हमें ही अवतार लेना होगा। नरसिंह भगवान के क्रोध से इस समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए महादेव शरद अवतार लेते हैं, जिनके शरीर का ऊपरी भाग शेर का, धड़ मनुष्य का तथा शेष भाग शरभ नामक पक्षी का था। महादेव शरभ अवतार लेकर विष्णु जी को शांत कराने हेतु उनके पास जा पहुँचे, परंतु शरभ रूपी भगवान महादेव को देखकर नरसिंह भगवान क्रोधित हो उठे। परंतु जैसे ही शरभ भगवान ने नरसिंह भगवान को स्पर्श किया तो वो कुछ क्षण के लिए तो शांत हुए, परंतु उन्हें पुनः हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद पर किए गए अत्याचारों का स्मरण होने लगा और वो पुनः क्रोधित हो उठे। नरसिंह, आप इस सृष्टि के पालन करता नारायण का ही रूप हैं। आप इस सृष्टि की भलाई के लिए स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करें। इस उग्र रूप में आप कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। आपसे युद्ध करना अब हमारे लिए आवश्यक हो गया है। जब किसी भी तरीके से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शरभ ने उनको शांत करने के लिए उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया। फिर भगवान शरभ और भगवान नरसिंह के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों में हो रहे भीषण युद्ध की गर्जना से समस्त सृष्टि कांप उठी और मेघों से भयंकर गर्जना होने लगी। दोनों के मध्य 18 दिनों तक विध्वंसकारी युद्ध चलता रहा, परंतु उसके पश्चात भी इस युद्ध का कोई अंत होता नहीं दिख रहा था। परंतु उस युद्ध के मध्य समय के साथ भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा और वो अपनी सुध में आने लगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शरभ अवतार में ये स्वयं महादेव हैं, जिन्होंने उनका क्रोध शांत करने के लिए ही ये रूप लिया, जिसके बाद वो शांत हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव को शरभ रूप धारण करना पड़ा और एक बार फिर से इस सृष्टि की उन्होंने रक्षा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।